अस्सलामुअलैकुम। परेशान है ना कि तमाम ट्रिक्स लगा दी, सारी टिप्स आजमा कर देख ली, हर किस्म का फॉर्मूला अप्लाई करके देख लिया है, लेकिन चैनल लेके ग्रो होने का नाम ही नहीं लेता है। यानी कि ना ही आपकी चैनल पर ट्रैफिक आ रही है, ना लोग आपकी वीडियोस को देख रहे हैं और ना ही आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। वॉच टाइम कम्प्लीट नहीं हुआ है, व्यूज कम्प्लीट नहीं हुआ है, टारगेट कैसे कम्प्लीट करेंगे और फिर अर्निंग, वो तो बहुत दूर की बात है, उसको स्टार्ट भी कैसे करेंगे। अगर यही सारी परेशानियां आपको परेशान कर रखती है आपके यूट्यूब चैनल के हवाले से, तो आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई फायदेमंद होने वाली है इंशाल्लाह। जो चीजें मुझे ऑथेंटिक लगती हैं, जो चीजें मुझे लगती हैं कि हाँ ये काम करती हैं, मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ आपके साथ। उन सारी बातों को ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपका चैनल ही ग्रो नहीं हो रहा है, बेसिकली कई सालों की मेहनत है और अब आप सोच रहे हैं कि अब बस लास्ट हो गया, खत्म हो गया, अब इस चैनल को हमने छोड़ देना है, इनफैक्ट हमने यूट्यूब को ही खैर बात कह देना है। बेशक आप अपने चैनल पे वर्क करना छोड़ दें, बेशक आप यूट्यूब को खैर बात बोल दें, लेकिन उससे पहले जरा आज की ये वीडियो देख लीजिए, हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इरादा बदल जाए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली चीज जो आपने करनी होती है वो ये कि आपने ये देखना होता है कि जो आपका चैनल है, जिस चैनल पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी भी टॉपिक या कंटेंट से रिलेटेड हो सकता है, टेक से भी या किसी और चीज से, जिसमें कि आप दूसरों के चैनल देखते हैं तो सेम आपका टॉपिक होता है, ग्रो भी हुए हुए होते हैं, मिलियन में व्यूज आ रहे होते हैं, बट वही चैनल आपका है, आप उसी तरह का कॉन्टेंट बनाते हैं और दुनिया का हर तरीके का फॉर्मूला या ट्रिक आप उस पे लगा चुके हैं, पर फिर भी आपका चैनल वैसा ग्रो नहीं हो रहा है। इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शायद हम लोग नहीं समझ पाते और एक ही चैनल को लेकर फिर हम बैठे रहते हैं और उसी पे अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। देखिए, जहां आपको लगे कि आपका चैनल अब मजीद वर्क नहीं कर रहा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बल्कि 5 साल हो गए, और आपने ऐसा भी नहीं है कि मेहनत नहीं की, आपने लगातार वीडियोस अपलोड की हैं, कोशिश की है कि आपका चैनल ग्रो हो जाए, हर तरह की टिप्स आजमाई है, लेकिन फिर भी ग्रो नहीं होता, अच्छे से अच्छा कंटेंट है, तो फिर पते क्या करना है, आपने दिल पर पत्थर रखकर एक काम करना है, वो ये कि आपने नया चैनल क्रिएट करना है और उस पुराने चैनल को आपने खैर बात कह देना है। ठीक है, चाहे आपका चैनल नया मोनेटाइज्ड हुआ है, लेकिन फिर भी आपको व्यूज की टेंशन है, आपके पास व्यूज ही नहीं आ रहे, यानी कि आपके चैनल पर इंप्रेशन ही नहीं आ रहे, ट्रैफिक ही नहीं आ रही है, तो फिर उस चैनल से आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकेंगे, आप मुझे बताएं। अगर आपने इतनी कोशिशों के बाद, इतनी ज्यादा जो है वो ट्रिक्स और टिप्स के बाद, हर किस्म की चीज बाद भी अपने चैनल को देख लिया कि ग्रो नहीं होता है, तो फिर अपना चैनल छोड़ दें, ये वाला, ठीक है, अपना ओल्ड चैनल जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपने नया चैनल क्रिएट करना है। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, आप बोले हमने इतनी मेहनत से ये चैनल बनाया और आप कैसे कह सकती हैं कि हम अपनी इतनी सारी मेहनत पे पानी फेर दें और नया चैनल बनाएं, और क्या पता कि वो चैनल इतना भी ग्रो ना हो सके, यानी खेच तान के इसको हम 1000 सब्सक्राइबर या 4000 वॉच टाइम आज तक तो ले आए ना, क्या पता नया चैनल बिल्कुल भी ग्रो ना हो, फिर हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहूंगी कि आपने अगर कोई काम करना होता है ना, तो आपने अगर मगर ऐसे वैसे काश वाश नहीं देखना होता, आपने सिर्फ और सिर्फ काम कर गुजरना होता है। मेरा नाम है मुज़फ्फर फातिमा, मैं अपने चैनल पे YouTube टिप्स, ट्रिक्स और ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से वीडियोस अपलोड करती हूँ। मैं हुज़ैफा फातिमा, ये मेरा पहला चैनल नहीं है, ये मेरा तकरीबन 3रा 4था चैनल है, ठीक है, जिसपे मैं वर्क कर रही हूँ, और ये चैनल माशाल्लाह से मेरा ग्रो हुआ हुआ है, आप सबके सामने जितना भी ग्रो हो रहा है अल्लाह का शुक्र है, तो ये चैनल मेरा काफी कदरे बेहतर चल रहा है बनिस्बत मेरे पुराने चैनल्स के। अब जो इससे पुराना चैनल था वो था मेरा कुकिंग का चैनल, यानी कि उस कुकिंग के चैनल पे ना काम करते करते मुझे तकरीबन 2.5-3 साल हो गए थे, और उस पे जाके मेरा चैनल 3 साल के बाद जाके मोनेटाइज्ड हुआ था, यानी कि वॉच टाइम आवर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे वहां जाके कंप्लीट हुए थे। जब मेरा चैनल मोनेटाइज्ड हो गया तब भी मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आए, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं इसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स कर रही थी जो कि मैं आपको दोबारा नहीं बताना चाहती, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें करीबन 4.5 लाख से ज्यादा व्यूज हैं, आप चाहे तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक दे देती हूँ आपको। तो मैंने क्या किया, अब एक बंदा सोचेगा कि ये तो मैंने अपनी जान लगा दी, 3 साल मैंने एक चैनल पर मेहनत की है, वो अब जाके मोनेटाइज हो गया है और उसमें जो है वो $8 भी हो गए तो 10 भी हो जाएंगे, लेकिन ये मामला बहुत स्लो चलने वाला है। तो मैंने फैसला लिया उसी वक्त कि इस चैनल पे काम नहीं करना है, इसको मैं छोड़ रही हूं और अब मैं नया चैनल बनाकर नया काम स्टार्ट करूंगी। ठीक है, मुझे उस दौरान यूट्यूब का भी काफी एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैंने कहा कि अब मैंने नया चैनल बनाना है, इस चैनल पे मुझे काम करना ही नहीं है, क्योंकि कुकिंग वीडियोस बनाना ना इतना आसान नहीं होता, इसमें एक तो आपकी मेहनत बहुत लगती है, दूसरा आपका खर्चा बहुत हो जाता है, तो बहुत कुछ था उसमें। ठीक है, उसके बाद पूरी डेडिकेशन के साथ आपको वो कुकिंग करनी होती है, एक एक चीज आपको बतानी होती है,
मैं चाहती तो उस चैनल पे वर्क करके मजीद कंसिस्टेंसी के साथ तो मैं शायद उसको ग्रो कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि मुझे अपनी नीश चेंज करनी थी, अपनी कैटेगरी चेंज करनी थी। तभी मैंने नया चैनल क्रिएट किया और नए सिरे से काम का आगाज किया जो कि आज आपके सामने हूँ। आपको अगर ठीक लगे तो आप पहली फुर्सत में अपना नया चैनल क्रिएट करें और उस पर वर्क स्टार्ट करें। अपनी ओल्ड वीडियोज आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन जरूर करें। कंसिस्टेंसी से आपने उस वक्त काम नहीं किया था, लेकिन अब अगर आप अपनी पुरानी वीडियोज जो अगर 100 है, 150 है, 200 है, अगर उसको उठाकर अब से आप अपने नए चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट करेंगे तो अब जो है वो यूट्यूब की तरफ डेटा जाएगा कि आप रेगुलरली वीडियोस को पोस्ट करते हैं। बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। अगर आपको मेरी बात ठीक लगे तभी आप इस पर काम कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद कर चुकी हूं तभी आपको ये बात कह रही हूं। आपके पास अगर 100 से ज्यादा वीडियोज है तो आप एटलीस्ट 100 दिन तक तो लगातार उन वीडियोज को अपलोड कर ही सकते हो, तो आपने वही करना है एंड डेली डेली अपनी वीडियोज को अपलोड करना है। बीच बीच में कुछ नई वीडियोस बनाते रहिएगा और फिर से उसको अपलोड करते रहिए, ठीक है, डेली बेसिस पर। आपके चैनल पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब यूट्यूब को ये चीज जाएगी कि आप रेगुलरली पोस्टिंग कर रहे हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो यूट्यूब पे, तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपका चैनल कैसे रॉकेट की तरह ग्रो होता है ना, आप लोग दुआ देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आपका नया चैनल है या पुराना चैनल है या जो भी आपके चैनल का इस वक्त स्टेटस चल रहा है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।